तो गाइस एक नई सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि तैयार होने में लगा हुआ है और इसके बारे में हमें थोड़ा बताया जाता है। इस बंदे का नाम जुन्म है जिसने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है और इसके स्टेटस की बात करते हैं इस वक्त ये अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल भी जॉब नहीं है इसके पास और ये देखने में काफी तक खुश लग रहा होता है और तैयार होते होते कहने में लगा हुआ होता है कि आज मेरा जो लास्ट राउंड का इंटरव्यू होने वाला है अगर मैंने उसे फिनिश कर लिया तो मैं सीधे जाकर अपनी लव अपने प्यार करने वाली मेरी प्यारी सी डार्लिंग मेई के पास जाकर सीधे अपने प्यार का कन्फेस कर दूंगा। लेकिन जब ये बंदा काफी ज्यादा खुश होने में लगा ही हुआ होता है तभी पीछे एक बंदा लेटा हुआ है, वो चिल्लाते हुए हमारे जुनबो को बुलाता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे लिए जब घर पर वापस आओ तो एक टिफिन जरूर लेकर आना ताकि मैं कुछ खा सकूं। और इस बंदे की भी हालत देखकर कुछ खास नहीं लग रही होती है और तभी जुनबो अपनी पैंट्स को पहनते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा और उसके बाद निकल पड़ता है अपनी दुनिया बदलने के लिए। लेकिन जब वह बंदा एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के देने के लिए जाता है तो वो सामने वाला बंदा जो कि एक टकला होता है वो उसे डायरेक्टली उसे मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि हम तुम जैसे कस्टमर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर से कम हो। और वो कहने वाला बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता बल्कि मैं 180 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट का होता है और वो देखने में काफी डरावना भी लग रहा होता है। और बता दूं यह बंदा जाने की जुनबो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तभी वो है एमसी वहां पर बैठ जाता है उदास होते है और उससे कहने लगता है अपने आप से कि आखिरकार मेरी जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा बेकार क्यों हो रखी है, मुझे हर वक्त इस तरीके के इमोशंस का सामना क्यों करना पड़ता है और मेरे लिए हर एक चीज इतनी ज्यादा कठिन क्यों होती जा रही है, यहाँ तक कि ये जो मेयर एम्प्लॉय है वो भी मुझे इस तरीके से बेइज्जती करके भगा देता है। क्या ये जो दुनिया है वो मुझे जीने का कोई रास्ता देगी भी या नहीं देगी। और वो रोते रोते अपने मोबाइल को चेक करने लगता है और उसकी हालत मोबाइल को देखने के बाद और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि जब अपने मोबाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि इसके जो डेबिट कार्ड का अकाउंट होता है उसकी ऑनलाइन पेमेंट और विड्रॉल के कारण सिर्फ और सिर्फ उसके पास 15 आरएमबी बचते हैं। ये एक करेंसी है, ये इंडियन रुपीस में कितना हुआ ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन इसके पास ज्यादा रुपए नहीं बचते। इसको देखने के बाद वो कहने लगता है कि लेता है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हुए हैं कि मैं एक हैमबर्गर खा सकता हूं वो भी इस आफ्टरनून में, उसके बाद कुछ भी नहीं। तभी अचानक से इसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसको देखकर उसकी कतई बाकी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से पूरी तरीके से भर जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से उसको देखने लगता है और पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन किसी और जगह से नहीं बल्कि मैं उसकी डार्लिंग उसकी प्यार उसकी क्रश मेई से आया हुआ होता है। और उसको देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर उसने एक नई अपडेट किया है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे अपडेट करने वाला कोई नॉर्मल फोटो नहीं होती है बल्कि एक वैलेंटाइन का गिफ्ट होता है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने फोटो भेजी होती है। और उसको देखने के बाद कहने लगा होता है कि भले ही दुनिया मुझसे चाहे कितनी भी दूर हो जाए लेकिन मेरे लिए इसका प्यार कभी भी कम नहीं होगा। और जब हमारा एमसी यानी कि ये बंदा इसकी उसकी पोस्ट के लाइन को पढ़ता है तो कहने लगता है कि अभी भी मेई मेरे पास थी लेकिन जब इसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये वैलेंटाइन डे पर किसी और को प्रपोज करने में लगी हुई है। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो शौक के मारे बिल्कुल भी ढेल नहीं पाता और गुस्से में आकर अपना मोबाइल जमीन में दे मारता है और वहीं पर उसका मोबाइल टूट जाता है और चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि मेरी जो लिटिल मेई है वो डायरेक्टली किसी और की डार्लिंग बन चुकी है, आखिरकार मेरी ही जिंदगी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लगी क्यों पड़ी है अच्छी तरीके से। और जब उसका मोबाइल टूट जाता है तब उसे होश आता है कि ओ माय गॉड अब तो मेरा जो लास्ट मोबाइल था वो भी टूट चुका है, अब तो मेरे पास पैसे भी ना बचे। और उसके मोबाइल को दिखाया जाता है यहाँ पर चीतरे उड़ जाते हैं और तभी अचानक से बारिश होना चालू हो जाती है और उसी बारिश के मौसम में हमारा एमबी गोल्डन फिंगर मोबाइल फोन पर शॉप पर चला जाता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल को रिपेयर करा रहा होता है और वो शॉप वाला बंदा उसे डायरेक्टली बताने लगता है कि इसे रिपेयर करने के लिए तो मैं 200 आरएमबी लगेंगे, मुझे पता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी एमसी कहने लगता है क्या इसको सस्ता नहीं कर सकते तुम थोड़ा बहुत। तभी शॉप का ओनर उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे कहना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि इसे ठीक करने में कितना ज्यादा लगना चाहिए। तभी हमारा एमसी उस बंदे से कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ और 17 आरएमबी और 5 सेंट्स बचे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद तो शॉप ओनर की भी सड़क जाती है और वो डायरेक्टली उस पर कूद पड़ता है उसे मारने के लिए और उसका ही मोबाइल उसके दिमाग में दे मारता है वो भी जोर से। और इतना सब करने के बाद भाई उसकी जिंदगी के पूरी तरीके से लगे पड़े होते हैं और वह अपने इस टूटे फूटे फोन के साथ शॉप के बाहर निकल पड़ता है और उसको देखकर कहने में लगा हुआ होता है कि इस ब्रोकन स्क्रीन की तरह मेरी भी जिंदगी पूरी तरीके से टूटी टूटी हुई रखी है और ये मेरे ब्रोकन हार्ट को रिप्रेजेंट करती है जिसे कोई भी हील नहीं कर सकता। और तभी वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी झलक दिखाने लगता है और बताने लगता है कि इसके पास्ट में अभी तक क्या हुआ है और बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ उन्होंने डिवोर्स ले लिया था जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी और उसी समय पर मैं अकेला पड़ गया और जब उन लोगों ने डिवोर्स किया था तो मुझे उन लोगों ने अकेला छोड़ दिया और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा सिर्फ और सिर्फ 100 आरएमबी मेरे पास छोड़ते एक करेंसी एक बार फिर से बता दूं। और इतना छोड़ने के बाद वो यहां से चले गए। इतना बताते बताते हमारे एमसी को भूख लग जाती है तो वो एक शॉप पर जाकर कहने लगता है कि हे बॉक्स मुझे 2 डीलक्स हैमबर्गर दे दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीट हो। और अपने टूटे फूटे मोबाइल की तरफ देखते हुए काफी उदासी में कहने लगता है कि सभी लोग यह कहते रखते हैं कि जो पैसा है वह किसी भी हंग्री गोस्ट को कंट्रोल कर सकता है और बात करें मेरे बारे में मैं तो हंग्री गोस्ट कम से कम 10 सालों से हूँ। और तभी अपने मोबाइल का बैक कवर को खोलने लगता है जिसके
अंदर 100 यानी कि 100 आरएमबी रखे होते हैं और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर वह अपने लिए वह हैमबर्गर खरीद लेता है। और जब वह हैमबर्गर लेकर वहां से जा ही रहा होता है तभी अचानक से उसका मोबाइल बजने लगता है और जब वो इस नंबर को चेक करता है तो पता चलता है कि ये तो एक अननोन नंबर है और वो उस कॉल को उठाकर उससे पूछ लगता है कि कौन है बे, और उधर से जवाब आता है, हेलो मैं तुम्हारा ग्रैंडपा। यह सुनने के बाद हमारे एमसी को काफी तो गुस्सा आ जाती है और गुस्से में उस मोबाइल पर जोड़ते चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूं, तुम बेवकूफ हो कि यहां पर तुम मुझे सुबह सुबह इस समय पर परेशान करने के लिए आ चुके हो, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रखा है। और वह तुरंत उस कॉल को वहीं पर काट देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आजकल मुझे सब कुछ परेशान करने में लगे हुए हैं, सब लोगों की आखिरकार परेशानी क्या है। तभी अचानक से फिर से उसी नंबर से कॉल आने लगता है जिसको देखकर उस बंदे की इतनी ज्यादा गंदी तरीके से सटक जाती है कि वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझ पर गिवअप नहीं करना चाहते हो, अभी तेरी जात का पैदा मारूं, अभी देखो मेरा मूड तो वैसे भी खराब था, तेरा भी करता हूं और मैं अपने साथ जो 300 बॉक्स के राउंड है वो तुम्हारे साथ मैं खेलना चाहूंगा, देखते हैं आखिरकार कौन जीतता है, मैं भी तो देखूं तुम मुझे कितना परेशान करते हो। और वो उस कॉल को उठाने के बाद जोड़ते चिल्लाते उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम साइको हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे वापस से कॉल करने की, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से बुली करते हो, इतना आसान है मुझे बुली करना, कम ऑन देखते हैं अगर हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, अगर पर फाइट करते हैं मैं जब तक तुमसे फाइट करूंगा जब तक हम में से कोई एक हार ना जाए। तभी उसका ग्रैंडफादर वहां से खांसते उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ हूं, मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है लाइफ में। और तभी कहने लगता है कि लिटिल मैन ये वाकई में मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर, ये बात सुनने के बाद अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि लिटिल मैन, और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है कि लिटिल मैन कहने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं इसी का ग्रैंडसन इसका ग्रैंडफादर हुआ करता था जो कि इसी नाम से उसे बुलाया करता था, और किस तरीके से इसने अपने ग्रैंडपा के साथ बचपन को गुजारा था, सिर्फ बचपन की बात चल रही है जहां पर उसे ग्रैंडफादर उसे लिटिल मैन कहकर बुलाया करते थे और कहते थे कि कैसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हें कुछ मजेदार करने के लिए जीयू में लेकर जाऊं तो। और वो कहने लगता है कि आखिरकार तो मेरे ग्रैंडपा ही मुझे इस नाम से बुलाया करते थे, और अचानक से काफी इमोशनल बन जाता है और कहने लगता है कि वाकई में तुम मेरे ग्रैंडफादर हो। तभी उसके ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं था और मैं वाकई में इस तरीके से नहीं बढ़ना चाहता, अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तभी वो काफी उदास होते उससे कहने लगता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तब मुझे आपने इस तरीके से अकेला छोड़ दिया था मेरे जिंदगी के भरोसे, तब आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आई थी। तभी ग्रैंडपा कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए और इसीलिए मैं तुमसे वापस से मिलना चाहता हूँ जब मैं मरने वाला हूँ तब, और इस मौके का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ ताकि मैंने जितने भी गलत काम किए हैं तुम्हारे साथ उसकी माफी मांग सकूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगे हुए, मेरे पास कोई भी रिलेटिव्स नहीं बचे हुए हैं इसलिए मुझे कॉन्टेक्ट मत करना। लेकिन उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, शायद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं जिंदा रहने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे साथ इमोशनल प्लॉट खेलने में लगे हुए हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा सही हो ओल्ड मैन, और इस बारे में तो अब तुम सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें अपना ग्रैंडफादर कहकर बुलाऊंगा। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि लिटिल मैन नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया है बल्कि मैं तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज देना चाहता था और तुम्हें कुछ बताना चाहता था, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे पास मेरे नाम से कई सारी ऐसी लिस्टेड कंपनी से पब्लिक लिस्टेड कंपनी से और कई सारे 100 मिलियंस ऑफ वर्थ प्रॉपर्टी है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी के सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करो। मुझे पता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने में लगा हुआ हूं, तो मैं इस तरीके से अकेला छोड़कर जब मैं गया था और इसीलिए मैंने कभी भी इस बात के लिए उम्मीद नहीं की थी कि लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें इस तरीके से देख पाऊंगा, बस बात इतनी सी है कि मैं फिर भी तुम्हें ये सब कुछ देना चाहता था क्योंकि कोई है नहीं देने वाला इसलिए। और जैसे ये बात इसकी कंपनीज और पैसा ये सब सुनता है ना हमारा एमसी तो कभी वहीं रुक जाता है और उसके हाथ पैर सब कुछ कपकपाने लगते हैं और एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा खुशी की मारे चिल्ला पड़ता है, ग्रैंडपा मैं आ रहा हूँ, माय डियरेस्ट ग्रैंडपा जल्दी से मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे कहाँ पर आना है, मैं अभी आपको देखने के लिए आ जाता हूँ, मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा है। भाई इसका तो रंग रूप सब कुछ बदल गया एक झटके में पैसा सुन के, और अपने ग्रैंडपा से माफी मांगते उससे कह लगता है कि यहाँ पर गिल्टी पर्सन आपको नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी ड्रग लग्जरी मेंस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो नर्स के पास जाकर पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडपा कहाँ पर है, और एक रूम के सामने खड़े होकर पीछे छुपकर अंदर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स ने एक बंदे को घेर कर रखा हुआ है, जहाँ पर एक बंदा उससे कहने लगता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो स्लोली कम होती जा रही है और इनके जो लेग उनके जो पैर है उन्होंने दम तोड़ दिया है और सारे के सारे डिवाइसेस को भी हमने ऑन कर दिया है और इनकी विटिलिटी को इनकी एनर्जी को इनकी पल्स को ओल्ड मास्टर के जितने भी हैं वो सबको रियल टाइम में रिकॉर्ड करेगा और हम इन रूमरेज डाटा का स्टेटस का इस्तेमाल कर ओल्ड मास्टर के पास जो अंदाजा लगा रहा है कि इनके पास कितना समय बचा हुआ है जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 100 एक घंटा बचा हुआ है, लेकिन इस एक घंटे के दौरान ये 10 सेंटेंस कह सकते हैं। तभी हमारा एमसी की सारी की सारी बातें सुनते हुए उनसे कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में मेरा ग्रैंडफादर है, और तभी डॉक्टर उससे कहने लगता है कि हमें इस ओल्ड मास्टर को एक परमिशन दे देनी चाहिए कि अपने लास्ट शब्दों को वो किस तरीके से कहना चाहता है। तभी उसका वकील वहां पर आते हुए उससे कहने लगता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ आपके लास्ट विल को रिकॉर्ड करने के लिए, आप जो चाहे वो मुझसे कह सकते हो। तभी बड़ा उससे पूछे लगता है कि आखिरकार वह लिटिल बहन कहाँ पर है, यानी कि मेरा ग्रैंडसन, और तभी अचानक से एक बंदा आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा ही एमसी होता है जो कि बहुत ज्यादा
खुश होते हुए उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे वाकई में लेट आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपका जो ग्रैंडसन है, फिलहाल ग्रैंडसन आपको रेस्पेक्ट देता है, ये मेरी गलती थी कि मैं यहाँ पर लेट आया हूँ। और तभी उसका ग्रैंडफादर उसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने शब्दों को कहते हुए उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रैंडसन और मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिस सुनने के बाद हमारे एमसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी वो वकील उससे कहने लगता है कि इस बंदे ने अपने 3 सेंटेंस कह लिए हैं, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। तभी उसका जो ग्रैंडफादर यानी कि हमारा एमसी ग्रैंडफादर की बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए रोते हुए एक्टिंग मोड, भाई बंदे का एक्टिंग मोड देख रहा कितना है। और तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आपके लिए मैं आपके लिए आपके सभी के सभी प्रॉपर्टीज और कंपनी को मैनेज करूंगा। ये बात सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस कंपनी की चेयरमैन की पोजीशन और उसके शेयर्स मैंने किसी और बंदे को दे दी है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को इतना ज्यादा जोड़ का झटका लगता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के हाथ को तुरंत छोड़ देता है और वापस से स्टेटमैन बन जाता है और अपने ग्रैंडफादर के पास जितना भी लव होता है ना, प्यार दिखा रहा होता है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि मुझे लगता था कि अगर मैं इतनी ज्यादा कंपनीज को तुम्हें मैनेज करने के लिए दे दूंगा, ऑपरेट करने के लिए दे दूंगा, तो ये तुम्हारे लिए काफी थकान वाला काम होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी वहां से जाने लगता है, लेकिन वो डॉक्टर और वो वकील उसको पकड़ के खींचने लगते हैं। और जब वहां से जाने लगता है तो ग्रैंडफादर शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम्हारे मेरे पास जो कुछ विलास है ना, जिनकी कीमत कम से कम 100 और मिलियंस होगी, तुम उन विलास को इनहेरिट कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हो। और ये बात सुनता है तो हमारा एमसी वापस से इमोशनल हो जाता है और उसका एक्टिव मोड फिर से ऑन होकर उसे ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी जैसा आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी उसका वकील बीच में बोर्ड पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर, आपने 7 सेंटेंस ऑलरेडी कह लिए हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटेंस बचे हुए हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी और उसका ग्रैंडफादर एक ही चीज को दोनों चिल्लाते हैं, क्या मजाक कर रखे हो क्या। तभी वो वकील बीच में और मजे लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंस बचे हुए हैं। और भाई ये 2 सेंटेंस का नाम सुनते हुए उसके ग्रैंडफादर में इतनी ज्यादा जान आ जाती है कि वो वहां पर खड़ा होता है और अपने मुंह में जोर से सांस भरते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, तो मैं ज्यादा बड़ी स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में तुम्हें बताना चाहता हूँ। इतनी सिंपल सी बात है कि तुम अगर वाकई में उन सभी के सभी विलास को इनहेरिट करना चाहते हो तो तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत है और 6 टेनेंट यानी कि किराएदार वहां पर रहते हैं जिन्होंने मेरा ख्याल अभी तक रखा हुआ है उस विला में, और तुम्हें उनकी परमिशन लेनी होगी उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए और उन 6 लोगों का साइन लेना होगा। सूर्य शब्दों में कहे जाए तो मैं बस उस विला में जाना है, उन 6 लोगों से साइन करने के लिए पूछना है और उसके बाद तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने का परमिशन मिल जाएगी। और बात करके आखिरकार तुम्हें उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है साइन की, तो मुझे ही लगता कि मेरे पास बिल्कुल समय भी बचा हुआ है इसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं और ग्रैंडपा ने एक ही सांस में सारी की सारी बात कह दी उससे। और उसका जो आखिरी सेंटेंस होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में मरने के काबिल हूँ, मेरे ग्रैंडसन तुम जाओ और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लो। और अगले ही पल पता चलता है कि यहाँ पर हमारे एम्स का ग्रैंडफादर वहीं पर मारा जाता है। तभी ये इसको देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता था कि मेरी जो जिंदगी है वो वाकई में मुझे इसी तरीके से गरीबी में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ यहाँ पर बदल चुका है और इस बात की भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी मुझे प्यार का भी कभी हकदार होऊंगा, वो भी इस हॉस्पिटल में, कोल्ड हॉस्पिटल में मुझे इस तरीके का प्यार मिलेगा। ग्रैंडपा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपका जो आपने जो मुझे प्यार दिखाया है वो मैंने दिल से महसूस किया है और जो आप मुझ पर उम्मीद दिखाने में लगे हुए, मैं कभी भी आपकी उम्मीदों को पानी में नहीं बहने दूंगा और आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखूंगा। और काफी ज्यादा सीरियस मोड में जाने के बाद वो अपने विला के एंट्री गेट के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वहां पर कहने लगता है, मन में सोचते हुए, क्या ये वही विला है जो मेरे मास्टर ने यानी कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेंशन किया था, और आखिरकार वो 6 ऐसे कौन से किराएदार है जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर का ख्याल रखा था। शायद जब मेरे ग्रैंडफादर जिंदा थे तो शायद उनके पास कॉमन इंटरेस्ट होगा जिनके साथ ये रहा करते थे, शायद वो कोई अंकल्स या फिर आंटीज होंगी, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस उन 6 लोगों का एग्रीमेंट पर साइन करवाना है और सारा के सारा जितना भी मेंशन है वो सब कुछ मेरे पर बिलोंग करेगा और सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरी हो जाएगी। और जब भी लोग बुढ़े हो जाते हैं तो अपनी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से गुजारते हैं और जब वे अंदर आता है तो कहां पर म्यूजिक बनने की म्यूजिक सुनने की उसे सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है, कोई म्यूजिक सुनने में लगा हुआ है और कोई कहने में लगा हुआ होता है कि किस तरीके से तुम्हें बस अपनी पूरी पूरी लाइफ कंफर्टेबल तरीके से जीना चाहिए, जो चाहे वो तुम कर सकते हो। और हमारा एमसी उस म्यूजिक की आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और वो पहुंचते पहुंचते यार्ड में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो यार्ड में पहुंचता है तो उस सीन को देखने के बाद कतई शौक से भर जाता है और शौक के मारा उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है। और वह वहां पर देखता है तो वहां पर पूल पार्टी चलने में लगी हुई होती है कई सारी लड़कियों की, 6 लड़कियों की, जो कि देखने में बिल्कुल भी आंटीज की तरह नहीं लग रही होती। तभी वो सभी की सभी लड़कियां हमारे एमसी की तरह एक एक करके देखने लगती हैं और हमें सभी की सभी लड़कियों को दिखाया जाता है और ये सारी की सारी लड़कियां एक से एक बवाल है। इसको देखने के बाद हमारा एमसी जोर से शौक होते हुए चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार जो भी जिस किराएदार की मेरे ग्रैंडफादर बात करने में लगे हुए थे कि वाकई में ये लेडीज है और वो भी प्रिटी लेडीज। तभी उनमें से एक लड़की पीछे मुड़कर हमारा एमसी की तरफ देखते उससे कहने लगते, लो भाई एक और हमारे यहाँ परवर्ट स्टॉकर आ चुका है जो कि हमारा पीछा करता है।
तभी वो लड़की अपने टॉमी को बुलाती है और तभी उसके पास एक फैटी कुत्ता आ जाता है जो कि हमारे एमसी पर घुर्राना चालू कर देता है। तभी हमारा एमसी पोजीशन में आता है उससे बचने के लिए। तभी वो लड़की अपने डॉगी को ऑर्डर देती है, उससे कह लगती है कि तुम्हें दूसरे घर में बिना परमिशन घुसने के लिए सजा दी जाएगी, और वो टॉमी उस पर कूद पड़ता है। लेकिन तभी हमारा एमसी की फट जाती है उस कुत्ते को देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उस टॉमी का टारगेट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, दिख रहा ही होगा, और वो कुत्ता जोर से भौंकते भौंकते हमारे एमसी की तरफ कूद पड़ता है। और कहानी थोड़ी देर बाद की जाती है जहां पर वो सभी के सभी लोग तैयार हो जाते हैं एक जगह पर बैठकर बात करने के लिए, और सारी की सारी लड़कियां एक ही जगह पर बैठ जाती हैं। और एक बार फिर से हमें उनका डिडक्शन करवाया जाता है क्योंकि सारे के सारे किराएदार इस घर में रहने वाले एकदम बवाल होती हैं, और उनमें से एक कुत्ता भी होता है जिसने हमारे एमसी की बैंड बजा रखी है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बिना कपड़ों के बैठकर कसम खाकर कहने में लगा हुआ था कि मैं कोई ठरकी वगैरह नहीं हूँ और ना ही मैं किसी दूसरे के प्राइवेट हाउसेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। और वो छह की छह लड़कियां बस उसे घूर रही होती है और बांध कर डाल दिया होता है एक कोने में, और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उनमें से एक लड़की हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है और उसे पूछने लगती है कि ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम कहो कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे इस फ्लैट में आने के तुम्हारा क्या मकसद है और क्या हासिल करना चाहते हो। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाती है और अपने जो भी खारी होते जोर से चबाती है, उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड देना चाहूंगी तुम्हारे बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और हमारा एमसी बाकी में बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है, समझ नहीं आता क्या करे। और तभी प्लानिंग करते हुए उसे स्माइल करता है मन में, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सारे के सारे लिटिल गर्ल्स यहाँ पर जो भी रहने में लगी हुई है वो काफी तक ग्रो अप हो चुकी है और अभी तक इन्होंने दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और वो अपनी फुल पावर के साथ सभी के सभी रस्सियों को तोड़ लेता है और उन सभी के सामने चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी चूजो मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कि तुम्हारे सामने कौन सा बंदा खड़ा हुआ है। और तुम्हें बताऊं तो मैं इस विला का रियल ओनर हूं, तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें इस जगह को छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए था क्योंकि आखिरकार ये जो विला है वो मेरे ग्रैंडपा को बिलोंग करता है और मैं यहां पर उसका अकेला हायर बचा हुआ हूं। इसलिए आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है और तुम वह बंदे हो जो कि मेरे इस हाउस को ट्रांसफर करने में लगे हुए हो, दूसरे बिना प्राइवेट हाउस में घुसकर आ चुके, तो तुम जैसे चूजों को यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। और तभी किस तरीके दिखाया जाता कि उसमें से एक लड़की उसका पैर पकड़ लेती और कह रही होती कि हमें माफ कर दीजिएगा। और इस तरीके से हमारा एमसी काफी तो खुश होने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहां से मेरे हाउस से पहली फुर्सत में यहां से निकल जाना चाहिए तुम बेवकूफ वुमन्स कहेंगी। और अगले ही पल पता चलता है कि ये तो हमारा एमसी यहां पर ख्याली पुलाव बनाने में लगा हुआ होता है और सोचने में लगा हुआ होता है किस तरीके से इन सभी के सभी लड़कियों को इस घर से बाहर निकाला जाए, और स्माइल मारने लगता है। और जैसे ही हमारा एमसी उसे कहने वाला होता है कि तुम सभी के सभी लिटिल, और तभी अचानक से एक उड़ती हुई किक आती है और सीधे हमारे एमसी के मुंह पर जाकर लगती है, और उसी किक के साथ हमारा एमसी सीधे एक टेबल से जाकर टकराकर गिर जाता है। और जिस लड़की ने हमारे एमसी को 10 सेकंड दी थी वो उसको आकर कहने लगती है कि तुम्हारी 10 सेकंड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और हमारे के फटे हुए कपड़े हमारे एमसी के जितने भी कपड़े होते हैं उसे वापस लौटाकर धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी गुस्सा आ जाती है और अपने साथ जो बेइज्जती हुई है वो उस बेइज्जती को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने उस बंदे पर अटैक करने की हिम्मत कैसे खिसाई जिसको डेस्टिनी ने किस्मत ने खुद चुना। और तभी उसके जेब में जो पेपर्स रखे होते हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने दिए थे वो उस पेपर को निकालते हैं, उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि इस काम को मुझे हार्ड तरीके से करना होगा। और एक बार फिर से हमारा एमसी गुस्से में उस घर के अंदर एंट्री मारता और सभी को वो विल दिखाते हुए कहने लगता है कि मेरी बात तुम सभी के सभी लोग ध्यान सुनो, इस विल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे ग्रैंडपा के द्वारा मुझे इनहेरिट करवा दी जा चुकी है और तुम यहाँ पर किराएदार के तौर पर टेम्पररी रहने में लगे हुए थे और तुम दूसरों की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने में लगे हुए हो, तुम्हें पता भी है इसका अंजाम। तभी एक उड़ती हुई किक वापस से हमारे एमसी की तरफ आती है लेकिन मुंह पर आकर बिल्कुल रुक जाती है टच करने से बिल्कुल थोड़ा सा। तभी बंदी उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मैं जो म्यूजिक सुनने में लगी हुई हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब करने में लगे हो। तभी हमारा एमसी घबराते उससे कहने लगता है कि मिस क्या मेरी एक्सप्लेनेशन को तुम पहले सुन नहीं सकती हो, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। और काफी ज्यादा डर के फट जाती है उसकी और कहने लगता है कि ये ऐसी चीज है मेरे जो ग्रैंडफादर जो कि इस घर के लैंडलॉर्ड थे वो अभी अभी मारे जा चुके हैं और स्वर्ग से सिधार गए, तो मैं यहाँ पर उनके हाउस को और उनकी प्रॉपर्टीज को वापस से इनहेरिट करने के लिए आ चुका हूँ क्योंकि उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरे पर ट्रांसफर कर दी है। तभी उनमें से एक लड़की आती है और उनसे कहने लगती है कि अब जबकि हमने इस प्लेस को रेंट करके रहने में लगे हुए हैं तो क्या करें। जहाँ पर हमारा एमसी उनको दिखाता है डॉक्यूमेंट उनसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें इस तुम सभी के सभी छह लोगों के साइंस के इस पेपर पर जरूरत पड़ेगी ताकि तुम वॉलंटरी अपनी इच्छा अनुसार इस घर को छोड़कर चली जाओ। और बात करें इस घर के रेंट के डिपॉजिट के बारे में तो मैं तुम पर ये सारा का सारा डिपॉजिट लौटा दूंगा। तभी वह लड़की उसके हाथ से पहन लेती है और इस तरीके से देखने के बाद हमारे एमजी के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली जैसे ये बंदी अपना नाम यहाँ पर साइन कर देगी तो ये जो मेंशन है वो मेरा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की तो उस पेन को दूरी फेंक देती है और उस हमारे एमसी से कहने लगती है कि हे हैंडसम बॉय मुझे अचानक से याद आ चुका है कि मैं ये भूल गई हूँ कि आखिरकार मुझे किसी तरीके से नाम लिखा जाता है। इसको सुनने के बाद हमारे एमसी के सारे सपने टूट जाते हैं और वो कहने लगता है कि जरा एक मिनट आखिरकार तुम अपना नाम लिखना कैसे भूल सकती हो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तभी उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से घर तुम्हें नहीं देना चाहते, तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आ जाती है
और वे चिल्लाते हैं। उन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्रॉपर्टी का असली हकदार मैं हूँ और सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा मुझे दे दी जा चुकी है और इस विल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ कि तुम इस पेपर पर साइन करो, पैसे उठाओ और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ। तो आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम इस चीज को इतनी आसानी से क्यों निकलना चाहती हो? क्यों ऐसे हार्ड बनाना चाहती हो? तभी पीछे से एक लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब तुम इस विल के बारे में बात कर रहे हो, जिसे देखकर वो काफी देर से शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि मोमो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके वाइट हेयर्स होते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम मोमो है, जो कि उससे कहने लगती है कि मुझे भी ये विल्स मिली हुई और सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि बाकी के 6 लोग होते हैं और उन लोगों की भी। और हमारे एमसी को इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी उनमें से एक लड़की उस विल को पढ़ना चालू करती है और उससे कहने लगती है कि मेरी मौत के बाद जो रूम नंबर है और इसकी जो जितनी भी फैसिलिटीज है वो सभी के सभी मिस वू मैंगलियान को बिलोंग करेंगी और उनके उस रूम को कोई भी किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक शी अपनी इच्छा अनुसार इस रूम को किसी और को ना सौंप दे तब तक। और सभी के सभी 6 लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बढ़ने से पहले हम सभी को ये विल देके गए हैं और अब तुम बताओ क्या ही कर लोगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। यह बात जानने के बाद हमारा एमसी कदम शौक से भर जाता है, उसका चेहरा देखने लायक होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर सब क्या चलने में लगा हुआ है। और इतनी ज्यादा विल देखने के बाद वो काफी शौक होते सभी से पूछने लगता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा विल से यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी विल के अनुसार ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि उसमें अगर हम 6 के 6 लोग उस पर साइन नहीं कर देंगे तुम्हारे पास ये घर नहीं होगा और तुम्हारा इससे कुछ भी लेने देना नहीं है, जब तक हम साइन नहीं कर देंगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। कैसा रहेगा कि हम सभी के सभी लोग इस बारे में बता दें कि आखिरकार इसका क्या मतलब होता है, लिटिल सिस्टर? तभी पिंक हायर वाली पिंक वालों वाली लड़की उससे कहने लगती है कि इसे समझना बहुत ज्यादा आसान है कि जिस तरीके से हमारे घर के अंदर घुसकर आया हुआ है बिना किसी परमिशन के, इसे हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जैसे इल्जाम भी लगा सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी शॉक होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और उसे एक बार फिर से लात मार के यहाँ से बाहर भगा दिया जाता है। और तभी वहाँ पर बारिश होना चालू हो जाती है और उसी बारिश में बेचारा फिर से एक बार सड़क पर आ जाता है और वहाँ पर उदास होते बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि ग्रैंडपा आपने वाकई मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व करने के लिए दे दी है, लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हो कि मैं एक ऐसा मैन हूँ जो कि कभी भी परेशानियों से गिव अप नहीं करता। आपको क्या लगता है कि मैं वाकई में इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा? तुम बस यहाँ पर कुछ बंच ऑफ यंग लेडीज नहीं हो, यहाँ की यंग अडल्ट नहीं हो, मैं तो तुम सबको देख लूंगा। आखिरकार तुमसे निपटने में मुझे क्या परेशान, कौन सी बड़ी बात है तुमसे निपटने में? लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि भाई इसका चेहरा इतनी गंदी तरीके से सुझा दिया जा चुका होता है, मार मार कर लात मार कर घर से बाहर निकाल दिया जा चुका है और चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। इसी तरीके से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी का अपार्टमेंट होता है। वहाँ पर वो दूसरा बंदा जो कि हमारे एमसी के साथ था वो सोने में लगा हुआ होता है और उसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अभी उसे किसी चीज की आवाज नहीं दी जाती है और वो जुन बोझाने की हमारे एमसी को अपने सामने सर का सारा सामान पैक करे हुए देखता है। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने में लगा हुआ होता है मुझे माफ कर देना रीतिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे बाय बाय करने के लिए आया हुआ। लेकिन वो बंदा ये जानकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये जुनबाव करना क्या चाहता है। तभी हमारा एमसी एक मिनरल वाटर की एक बोतल लेता है और एक ग्लास लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फेयरवेल करने के लिए आया हुआ हूँ और उस ग्लास में वाटर कुड़ते हुए रोने लगता है और काफी ज्यादा सीरियस चेहरा बनाते हुए और उससे कहने लगता है कि मेरे पास असली वाइन तो नहीं है, लेकिन हम वाटर को वाइन समझकर जो भी कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आखिरी चीयर्स करने के लिए आया होता है अपने फ्रेंड के पास, लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वापस से सो जाता है, जिसके कारण हमारे एमसी के पूरे इमोशनल धरे के धरे रह जाते हैं और गुस्से में आकर वो उस पानी को वहीं पर गिरा देता है और गुड बाय कहते हुए वहां से जाते हुए उससे कह लगता है कि गुड बाय रीतिया और ये जगह है वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी और मैं इस ऐसी जगह को छोड़कर जाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने बचपन से लेकर आज तक पसेसनेट ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं बड़े बड़े वो भी पूरा करने के लिए और अब मैं यहाँ पर उस वल्गार मेंशन के लिए तरफ जा रहा हूँ रहने के लिए। और तभी हमारा एमसी वापस से उस घर के अंदर घुस जाता है, एक बार फिर से आ चुका है वो इस घर में बेइज्जती करवाने के लिए अपनी, और धीरे धीरे करके हौले हौले से दरवाजा खोलता तो वो देखता है कि इस घर में तो कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं होता और इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं और चुपके से इस घर के अंदर घुस जाता है अपने सामान के साथ और इधर सर्च करने लगता है कि आखिरकार ये सभी के सभी लोग कहाँ गए। तभी हमारे एमसी की नजर एक फोटो पर जाती है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर और उसकी जो 6 किरायेदार से 6 किरायेदार हैं उनके साथ उनके फोटो खींची हुई है, जिसको देखकर वो थोड़ा वो सोचता है और सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जो मेरे ग्रैंडफादर है वो इन 6 लेडीज के साथ क्यों रहते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और तभी वो अपने सामान को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है और जाते जाते वो एक कमरे के पास जाता है जहाँ पर उस कमरे के सामने बोर्ड लगा होता है वू मैंगलियान का, ये कमरा वू मैंगलियान का है, जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वहाँ पर अजीब तरीके की ड्रेसेस पड़ी हुई होती है और यहाँ पर जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ होता है वो उसको देखकर कहने लगता है कि किस तरीके से एक टाइपिकल गर्ल्स का रूम है और वहाँ से सिर्फ पैथेटिक टॉयज के साथ भरा हुआ है। तभी वहाँ पर एक रूम पर जाता है जिसका नाम जुन गुओ होता है और उसको देखकर कहने लगता है कि ये रूम तो मेरे ग्रैंडफादर का है, अब मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ और अगर मुझे इन 6 लेडीज की सिग्नेचर्स को हासिल करना है और अपनी प्रॉपर्टीज को वापस से इनहेरिट करना है तो मुझे यहाँ पर रहकर सारी की सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और तभी खुशी के मारे उस रूम के अंदर घुस जाता है
और घुसने के बाद डायरेक्टली इंजॉय करने लगता है बेड पर गिरने के बाद, और उससे कहने लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर रहना चाहिए। और जैसे ही वो वहाँ पर घुसता है तो उसके तकिए के नीचे, उसके पिलो के नीचे एक लेटर पड़ा होता है। वो देखकर काफी शौक होती है, उस लेटर को पढ़ना चालू करता है। और सिर्फ लेटर ही नहीं बल्कि वहाँ पर कई सारे ऐसे लेडीज के फिगर्स भी पड़े होते हैं, एनिमी के कैरेक्टर पड़े होते हैं, मांगास पड़ी होती है, और सारा का सारा सामान पड़ा होता है फिल्म से रिलेटेड, जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि ये एंटिक्स तो वाकई में इनक्रेडिबल है, और पूरे के पूरे रूम की छानबीन करने लगता है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आने लगती है, आवाज नहीं वो चीज उस जगह पर देखने लगता है कि आखिरकार खिड़की बाहर क्या है, और वो देखता है कि वो स्विमिंग पूल में कि वह लेडीज अभी तक इस घर पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर फायदा उठा सकता हूँ, और इस बात का फायदा उठाने के लिए वो अपने कपड़े उतारने लगता है और जोर से चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अब घर पर कोई भी नहीं है तो ये सारा का सारा विला मेरे पर बिलोंग करता है, और फुल रफ्तार में भागते हुए उस स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए कूद पड़ता है और बढ़िया स्टाइल में कूद रहा होता है। लेकिन जैसे ही गिरता तो पता चलता है कि उस स्विमिंग पूल में पानी होता ही नहीं है। भाई बिना देखे आंखें कहाँ घर पर छोड़ के आया है क्या अपनी आंखों को, और सीधे जाकर अपने पिछवाड़े के बल जमीन पर गिरता है, जिससे कि उसके पूरे के पूरे पिछवाड़े फूट जाते हैं और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और तब इतनी ज्यादा बेइज्जती और इतना ज्यादा दर्द सहन करने के बाद वो वापस नहाने के लिए बाथरूम में जाकर अपने पिछवाड़े को साफ कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने वापस से पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। और खुशी होते हुए कहने लगता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद किया था कि पैसा कुछ भी हील कर सकता है, यहाँ तक कि इमोशंस को। और अपने मोबाइल में अपनी लिटिल मई मई की फोटो देखने में लगा हुआ था, जहाँ पर जिसका ऊपर इसका क्रश था वो उसका तो भाई कोई और ही बॉयफ्रेंड बन चुका है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि किस तरीके से वो अपने उसके बॉयफ्रेंड से लिटिल मई मई को छुड़ा लेगा और जितना ज्यादा पैसा हो सके उतना खर्च करने के लिए उसे दे देगा, और अपने ही ख्याली दुनिया में खोने लगता है और कहने लगता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो जब मैं किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करूंगा जो कि मैं डिजर्व करता हूँ लिटिल मई मई, और जब ये समय आएगा तब तुम मेरी इवेंचुअली हो जाओगी। और वो गाना गाते हुए नहाना चालू कर देता है और नहाते नहाते बिल्कुल खो जाता है और पता नहीं चलता कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे में से एक मोबाइल निकाल कर क्योंकि उसके नहाने की नंगी फोटो ले लेता है बिना कपड़ों की। और भाई साहब वो बंदा इस वक्त गाना गाने में लगा हुआ है और उसकी वीडियो बनने में लगी हुई है, और वो जिस तरीके से गाना गा रहा है और जिस तरीके से पोज करने में लगा हुआ है वो वाकई में इसकी जिंदगी के शर्मनाक होने वाले बहुत ज्यादा। और ऐसा करते करते अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करता है और दूसरी तरफ देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई उसकी रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ है। और तभी हमें एक लड़की का पैर दिखाया जाता है जो कि अंदर आते उससे कहने लगती है जरा देखो तो जरा इस बंदे को, एक ठरकी हमारे घर के अंदर घुसकर आ चुका है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं बाथरूम में नहाते हुए गाना गाने में लगा हुआ है वो भी किसी और के घर में। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसमें बड़ा मजा आने वाला है। और भाई साहब यहाँ पर हमारे एमसी की ऐसी की तैसी हो जाती है, जिसको देखकर हमारा एमसी चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो अपने अपने वेपन को छुपाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे पास बिल्कुल भी नजदीक आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्या हो, क्या ही कर रही हो, क्यों आई हो यहाँ पर। तभी वो लड़की अपनी उंगली को उसके लिप्स पर रखती है, उसे शांत कराती है और उसके काफी देर नजदीक आते हुए उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा। और वह इस वक्त हमारे एमसी के बहुत नजदीक आ जाती है, जिसको देखकर हमारे एमसी का पूरा चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लड़की अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है और अपनी जो शर्ट पहनी हुई थी ना एक्स्ट्रा में वो हमारे एमसी के सामने उन शर्ट को उतार देती है, और उसके नजदीक आते हुए उससे कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि अब हम जो करना चाहते हैं वो कर ले और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ तो कैसा रहेगा। और वो काफी नजदीक आ जाती है उसके, और हमारा एमसी इस मूवमेंट को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा होता, और उनके लिप्स एक दूसरे के करीब आते हुए वो कह रही होती कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी हमारा एमसी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और अगले ही पल हमें पता चलता है कि इस लड़की ने तो हमारे एमसी को फिर से चूना लगा दिया, वो बस कुछ नहीं बस हमारे एमसी के साथ फोटो लेना चाहती थी। और जिस पोजीशन में इसने फोटो लिया है उसको एंगल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो इस लड़की को किस कर रहा हो। तभी हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि अगर कर तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो, और इतनी एक्टिंग करने के बाद वो लड़की वापस से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है और अपने कपड़ों को वापस पहनते हुए हमारे एमसी को धमकाती है और वहां से बढ़िया पोज मारते हुए जाते हैं उससे कहने लगते कि आज से और अभी से तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम्हारे मास्टर की जो भी कहेगा तुम्हारा मास्टर अब से तुम्हें वही करना होगा, क्या बात समझ में आई तुम्हें। लेकिन हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि एक मिनट रुको तुम मेरी मास्टर कब से बन गई, कैसे बन गई, क्यों बन गई। तभी वो लड़की हमारे एमसी को धमकाती है और उससे कह लगती है कि ये वही लड़की है ना जिसको तुम पसंद करते हो और जिसका नाम लिटिल मई मई है, और तो और मैंने इसके वीचेंट अकाउंट को अपने साथ ऐड भी कर लिया है। ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी शौक होते हैं उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरा फोन कब उठा लिया। तभी वो लड़की हमारे एमसी को धमकाती है उससे कहने लगती है कि अगर तुमने वाकई में मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फ्यूचर में तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, और हाँ ये जितने भी फोटोज अभी मैंने तुम्हारे साथ लिए हैं वो सारे के सारे फोटोज मैं उस लिटिल मई मई को भेज दूंगा, हमारे किस तरीके से इंटीमेट होने में लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं था बस वो एंगल का धोखा है और कुछ नहीं। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो भाई उसकी पूरी पूरी दुनिया हिल जाती है और उसे पता चलता है कि इसका पहला दिन हुआ है इस विला में मूव किए हुए और उसकी पूरी पूरी दुनिया बदल दी जा चुकी है और इस तरीके की पोजीशन में फंस चुका है जहां पर उसे बदला भी नहीं जा सकता अब तो। तभी वो लड़की जाते जाते हमारे एमसी से एक बार कह जाती है कि तुम जल्दी से जाओ और पूरे के पूरे पूल को सबसे पहले तो क्लीन कर दो और यहाँ पर जितना भी गंदगी मची हुई है सब कुछ क्लीन कर देना और उसके बाद हमारे लिए टेबल भी लगा दो और तुम पूल का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेलकम पार्टी के तौर पर। जाते जाते अचानक से रुकती है और उससे कह लगती है वैसे एक और बात
मेरा नाम वू मैंगलियान है और मैं इन सभी के सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा बड़ी हूँ, तो मुझे तुम बिग सिक्स कहकर बुला सकते हो। और उस समय पर हमारा एमसी सारी की सारी घटना उसके साथ जो भी हो जाती है उसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि उस समय पर मुझे नहीं पता था कि जो यहाँ पर जो सिक्स इनोसेंट से दिखने वाली वूमेन रहने में लगी हुई है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो रुकने से रुकने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। तभी अचानक से हमारा एमसी उससे पूछ लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरी जो वेलकम पार्टी है जो कि तुम अभी कहने में लगी हुई थी वो कहाँ पर है। और इतना ही नहीं, ये भी सचन लगता है कि सारे के सारे इनोसेंट से दिखने वाली लड़कियां यहाँ पर एक ऐसे बंदे का आने का इंतजार करने में लगी हुई थी जिसका वे फायदा उठा सके। और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर सभी के सभी लोग उस पूल को तैयार कर देते हैं और वहाँ पर पार्टी जैसा माहौल बन जाता है और सारा का सारा चीज तैयार कर वो लड़की वहाँ पर रख देती है। और उनमें से एक लड़की दूसरी मोमो के पास आती है और उससे कहने लगती है, जिस समय पर तुमने कुछ देर पहले जो गेम खेला था वो कैसा था मोमो, क्योंकि मैंने कई सारे हैंडसम लड़कों को इस तरह गेम खेलते हुए भी देखा है। तभी वो मोमो से बताने लगती है कि वो गेम और कोई नहीं बल्कि मैं इंडिजीनस ग्लोरी था उस गेम का नाम। तभी जिस लड़की ने हमारे एमसी को केक मारी थी वो भी वहां पर बैठी होती है और वो अपनी सेकंड सिस्टर को हेलो कहने लगती है और वो पूछने लगती है, क्या हमें उस लड़की के यहाँ पर उस लड़के के यहाँ पर आने के लिए वेलकम पार्टी रखना जरूरी है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि लेकिन ये हमारे घर का ये ट्रेडिशन रहा है जो कि हमें आगे चलकर चलते बना के रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और हमने ओल्ड मास्टर से वादा भी किया था, हमें उसके वादे के बारे में तो नहीं बताया जाता लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है, बिग सिस ये बताइए कि आखिरकार वो बंदा यहाँ पर कब आने वाला है। और ये बिग सिस किसी और से नहीं कह रही होती बल्कि उस लड़की से कह रही होती है जिसको हमारे एमसी ने हमारे एमसी को जिस लड़की ने फंसाया है। तभी वो लड़कियों को बताने लगती है कि वो बंदा कह गया है कि यहाँ पर वो आज रात को आ जाएगा क्योंकि आज उसकी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है और हम उसे ग्रीटिंग करने के लिए पार्टी रखी है और इसलिए वो हम सभी के साथ गिफ्ट तैयार करना चाहता था हम सभी के लिए। और यहाँ पर होंगमिंग बंक्यूत की स्टार्टिंग होती है और अगले ही पल कहानी का थोड़ा सा टाइमलाइन शिफ्ट होती है और 10 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दो लोगों के पास खड़ा हुआ होता है और दो लोग बात करते उससे कह रहे होते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुमने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और हमारे पास जो भी खाना बचा हुआ है तुम उस खाने को खाना चाहते हो, तुम यहाँ पर आ सकते हो, ये कप में मैंने ड्रिंक कर दी है, इसे मेलन जूस है, बिटर मेलन जूस, और अगर तुम इसे पी लेते हो तो तुम यहाँ पर जो भी खाना चाहो वे खा सकते हो। लेकिन हमारे ये छोटा बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी था जो कि बचपन में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी और वो उसको उठाकर उससे कहने रोते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी एक बंदा आता है उससे कहने लगता है कि इस चीज को मैं तुम्हारी मदद करूं और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं रेतियान होता है जो कि एक एलिमेंट्री स्टूडेंट है और वह एक सांस में पूरे के पूरे जूस की बोतल को पी जाता है। उसी के बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे गुंडे वापस उस जगह पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो ओरियल ग्रुप है वो यहाँ पर कई सारी परेशानियां खड़ी करने में लगा हुआ है और दोनों के दोनों आपस में फाइट करना चालू कर देते हैं। और वो दूसरा बंदा कहने लगता है उस चश्मुद्दीन से कि आखिरकार तुम यहाँ पर फिर से आ गए ग्रीन टाइगर गैंग कहीं की, क्या तुम हमारे बिजनेस में इस तरीके से दखल डालना बंद नहीं करोगे। तभी वो टाइगर गैंग का बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत सकते हो। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है क्या तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो, अगर यहाँ पर कोई भी हार जाता है तो वो कुत्ता बनकर रहेगा। और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और जो रीथियन होता है वो यहाँ के बॉस बन गए होते हैं और वो दोनों के दोनों अपने बॉस को वापस भेज देते हैं उस बंदे से फाइट करने के लिए। और अगले ही पल दोनों को बैठ के दिखाया जाता है उस टाइगर गैंग के लीडर के सामने और जो बंदा रीतियान होता है वो काफी ज्यादा देखने में सीरियस लग रहा होता है और सभी लोग कह रहे होते हैं उन दोनों को देखते हुए, जो भी इन सभी के सभी बोटल्स के पानी को या फिर बिटर ड्रिंक को पहले खत्म करेगा वो इस एरिया का बॉस बन जाएगा। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि रीतियान ने सारे के सारे उस बोटल्स को पी लिया होता है एक झटके में, लेकिन वो बॉस टाइगर गैंग का हार जाता है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमारा एमसी रीतियान को सारी की सारी घटना के बारे में बताने में लगा होता है और याद दिला रहा होता है अपने पुराने जमाने के बारे में और कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी वो साल याद है जब हम दोनों के दोनों एलिमेंट्री स्टूडेंट हुआ करते थे और तुम ड्रिंकिंग में सभी लोगों को हराने में कामयाब रहा करते थे और वह हमारे उस तरीके के दिन थे जब यहाँ पर कोई भी गैंगस्टर तुम्हें यहाँ पर हराने में कामयाब नहीं रहा करता था। तभी रीतियान उससे कहने लगता है कि उस समय पर वह माफिया वहाँ पर नहीं आई हुई होती ना तो शायद हम लोग पूरे के पूरे इस एरिया के ओवरलोड हुआ करते थे या फिर अभी भी होते, वो माफिया गैंग यहाँ पर नहीं आती हमें रोकने के लिए। तो ये सुनने के बाद वो एमसी वापस से अपनी पानी की बोतल लेता है और अपना एक ग्लास उठाता है और उससे कहने लगता है कि अब जबकि हमने उस इवेंट को वहाँ पर एनकाउंटर कर लिया था तो हमने उसके बाद कभी भी बिटर मेलन जूस को हाथ भी नहीं लगाया और तो साथ में वाइन को भी नहीं। और वो पानी को गिलास में डालते हुए कह रहा होता है कि हम लोग असली वाइन को हाथ तो नहीं लगा सकते लेकिन पानी को तो जरूर लगा सकते हैं और हम इस मिनरल वाटर को वाटर वाइन की तरह समझकर पीने में लगे हुए हैं, ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि हमारी वाइन ने अपना पैशन और कलर खो दिया हो। लेकिन ब्रो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो मौका है वो यहाँ पर आ चुका है और मुझे ये बात अभी भी पता चली है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि मैंने इनहेरिट कर ली है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सामने कोई एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके पास एक अल्टीरियर मोटिव है और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पकड़कर बैठे हुए हैं और मैं उन लोगों को अकेले नहीं संभाल सकता और इस मूवमेंट पर मुझे अपने सबसे ज्यादा डियर ब्रदर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सच है कि ओके आखिरकार तुम मेरे रॉयल फैमिली के ब्रदर जो हो और मेरे लाइट ब्रिंगर जो मेरी जिंदगी में लाइट लेकर आता है। ये बात सुनने के बाद रीतियान काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि जो हमारा एमसी होता है वो अजीब तरीके की बातें करने में लगा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इस टाइटल के नाम पर लिव अप करना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और रेस्पॉन्सिबल बनना होगा मेरी प्रॉपर्टी को वापस से हासिल करने के लिए। और जब वो हमारे एमसी को इस तरीके से बातें करते हुए देखता है तो वो रीतियान चिल्लाते उससे कह लगता है कि यो ब्रो
क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है? और भाई साहब उसकी बेइज्जती कर दी कदे दरी दरी करके, और वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी को कहने लगता है कि मेरे ब्रो आखिरकार तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? और अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तो आखिरकार मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे लिए खाना कौन लेकर आएगा? क्या तुम पागल हो चुके हो? इस फ्लोर को कौन साफ करेगा, टॉयलेट को कौन साफ करेगा, और मेरे कपड़ों को कौन धोएगा? लेकिन हमारा एमसी उससे कहने की कोशिश करता है कि मेरी एक्सपीरियंस तो सुन ले भाई, मेरी बात तो पूरी सुन ले। तभी रीता उसकी बातों को नहीं सुनता है और गुस्सा चिल्लाते बार बार कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ कल कल में क्या हो गया था, क्या किसी ने तुम्हारे ब्रेन पर जोर से किक मारी थी? अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे बताओ उसका नाम, मैं उसकी ऐसी तैसी मार लूंगा। तभी एमसी कहने लगता है नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तो मेरी बात तो सुन लो यार ध्यान से, अरे मैं तुम्हारे साथ बिना तुम्हारे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। तभी एमसी उसका मुंह बंद करते उससे कह लगता है कि तुम मेरी बात सुनोगे? और सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद वो जो रीतियान है वो सारी सारी बात को समझ जाता है और उससे कह लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ चुका है, तुम कह रहे हो तुम्हारे जो लॉन्ग लॉस्ट ग्रैंडपा थे वो सडनली तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हारे अपनी तुम्हें पूरी की पूरी इनहेरिटेंस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी जाती है और तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो वाकई में एडमायर करने वाली है, तुम्हें पता है इस बात के बारे में? लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी यहाँ पर उदास होकर बैठा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है लेकिन ये बात सुनकर तुम्हें यहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए था, तो तुम इस तरीके से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? तभी रीतियान उससे कहने लगता है कि मैं बस इस बात को जानकर थोड़ा बहुत जेलस महसूस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा रियल प्रॉब्लम है वो और कुछ नहीं बल्कि मैं वो सिक्स वुमेन है जो कि मेरे उस विला में रहने में लगी हुई और मेरी प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर लिया और वो देने के लिए तैयार ही नहीं है मेरी प्रॉपर्टी को। और ये कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि वो मेरे टेरिटरी में मेरे इलाके में इस तरीके से रहने में लगे हुए हैं और तो और जो एग्रीमेंट मैंने वो दे रहा हूँ वो उन पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद रीतियान उससे पूछने लगता है कि अगर कर तुम अब क्या करने वाले हो? तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और कहने लगता है कि इस समय पर तुम्हें पता नहीं कि वो लोग एक पार्टी होस्ट करने वाले हैं और क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? अगर मैं तुम्हें 1000 कप भी पिला दूं ना उस बिटर ड्रिंक की 10 साल पहले तब भी तुम ड्रिंक नहीं हुआ करते थे। ये बात सुनने के बाद हमारा जो रीतियान होता है वो समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम उन्हें नशे की हालत में उनसे साइन करवाना चाहते हो। तभी हमारा एमसी उसे अपना प्लान दिखाता है और कहने लगता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है, उन्हें हम अपनी उनकी मर्जी के अनुसार ही साइन करवाएंगे। और इस तरीके से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और रीतियान उस विला के पास पहुंच जाते हैं। रीतियान उसको देखने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत अच्छी है ब्रो, तुम्हारे पास इस तरीके का बड़ा हाउस भी है। तभी एमसी कहने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लाइट ब्रिंगर मेरी जिंदगी में लाइट डालने वाले बंदे तुम अब मेरे पास आ चुके हो और तुम मुझे बैकयार्ड में फॉलो करो और उस पार्टी को अटेंड करो। और उसका रीतियान भी वहाँ पर एग्री होता है इस बात को लेकर। और तभी वहाँ पर वो लड़की आती है हमारे उस रीतियान के सामने और वो दोनों के दोनों लड़कियाँ खुशी खुशी मनाते हुए क्यूट सी स्माइल देते हुए उन दोनों के सामने कहने लगते कि तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार करने में लगे हुए थे। तभी हमारा एमसी कुछ गिफ्ट्स लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट होने में लगे हुए हो, तुम तो यहाँ पर मेरी तरफ ग्रीट भी करने के लिए आ चुके हो, हम तो वाकई में इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि ये हमारी पहली ऑफिशियल ग्रीटिंग है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट तैयार किए हुए लेडीज, तुम इसे काइंडली एक्सेप्ट कर सकती हो। दूसरी तरफ जो रीतियान होता है लड़कियों को देखने के बाद इसके नाक से खून निकल पड़ता है क्योंकि भाई ठगी लेवल भाई है ही ऐसी बात और वो अपनी इस ठगपन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन हमारा एमसी उसके नाक में अपनी दो उंगलियों को डाल देता है उसके ठग को कंट्रोल करने के लिए और कहने लगता है कि हे ब्रो हमें मुझे अपनी डिग्निटी के बारे में थोड़ा बहुत दिखाओ यार, तुम अपने हमारे जो मिशन करने के लिए आज रात को आए हैं तुम उस मिशन के बारे में ना भूलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी वो लड़की उन दोनों को पार्टी की तरफ ले जाने लगती है और उससे कहने लगते हैं कि हम सभी के सब लोग तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करने में लगे हुए थे पूल पर। ये बात जानकर रीतियान काफी शौक होता है और जैसे वो सामने आकर देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पूरी पूरी जगह को सजाया गया है और कई सारी लड़कियां वहाँ पर इंतजार करने में लगी होती है। तभी उनमें से एक लड़की बोल लगती है कि आखिरकार मैन हमेशा पैथेटिक होते हैं और एक लड़की अपने मेकअप में लगी रहती है, दूसरी लड़की जो कि मोमो होती है वो कुछ नहीं कहती और जिस बंदी ने हमारे एमसी को तरीके से पीटा था वो गुस्से में बैठी होती है। लेकिन हमारा जो रीतियान होता है वो पूरी तरीके से इनके खूबसूरती के कारण पूरी तरीके से खो जाता है ख्यालों में, जिसको हमारा एमसी होश लाकर उसे पीट कर उसके गर्दन को दबाकर वापस से होश में लाते हैं। उससे कहने लगता है कि ब्रो आपको जल्दी से जाकर तुम्हें वहां पर बैठ जाना चाहिए। तभी उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और उन सभी के सामने एंजॉय करते हैं, उससे कह लगती है चीयर्स करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने लिटिल ब्रो जुनबो को धन्यवाद कहना चाहेंगे, हमारी रूममेट को जो कि हमारे लिए इतने ज्यादा प्रेजेंट्स लेकर आया हुआ। दूसरी तरफ हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जब तुम यहाँ पर आए थे हमारी फर्स्ट मीटिंग पर हमने तुम्हारे साथ जो गलत काम किया था उसके लिए भाई बुरी तरीके से कंधे से पीट कर लात मार के बाहर भगा दिया था, अब माफी मांग रहे हो और बोल रही होती कि अगर लॉयर ने यहाँ आकर हमें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया होता तो शायद अभी तक हमें इस बात पर भरोसा भी नहीं होता। ये बात सुनकर हमारा एमसी भी कुछ नहीं कहता और बोल देता है कि ये बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद उनमें से एक लड़की कह रही होती है लगता है कि जुनबो हमारे साथ अच्छी तरीके से रह सकता है और इसकी हमारे साथ काफी अच्छी तरीके से भी बनेगी। तभी जुनबो उससे कहने लगता है कि जबकि हम लोग वाकई में रूममेट्स बनने वाले हैं तो कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर ड्रिंक करें थोड़ी बहुत। और तभी रीतियान वो ड्रिंक की बोटल्स निकालता है और उन दोनों को चीयर्स करते हुए दिखाते हुए उससे कहने लगता है हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वाइन्स मौजूद है तो टेबल पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेकंड राउंड के लिए। और यहाँ पर वो सभी को वो वाइन सर्व करना चालू कर देते हैं।
जब हमारा एमसी उस लड़की को वाइन देता है तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि जुनबो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो मेरे ग्लास को फिलअप कर सकते हो। लेकिन जब रीतियान उस लड़की को वाइन भरने के लिए जाता है तो वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, और जिस लड़की ने हमारे एमसी को धमका कर रखा हुआ है वो लड़की अपने वाइन के ग्लास को उठाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे मास्टर को लास्ट में सर्व क्यों किया ये वाइन। तभी हमारा एमसी उसे मक्खन लगाने की तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टर क्यों हुआ, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो सबसे अच्छी वाली वाइन है वो हमेशा अपने मास्टर को ही दी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को। और वो सारे के सारे वाइन को उसके बोतल में डाल देता है और दूसरी तरफ काफी मन में सोचते हुए खुश होने में लगा हुआ होता है कि तुम बस इंतजार करो, एक बार तीसरा राउंड इस वाइन का खत्म हो जाए तो तुम मुझे ऑब्वे करोगी और मेरी हर बात को मानोगी, और एक बार ये बंकेट पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो तुम मेरी नौकर बन के रहोगी और मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे एमसी को बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है और जो लड़कियां वहाँ पर किरायेदार के तौर पर रहने में लगी हुई थी वो रोना चालू कर रही होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लेडी है जो कि यहाँ पर रह सकती है और आज से और अभी से लड़की मेरी मेड बनकर रहेगी, और वो मेड किसी और को नहीं बना रहा बल्कि मैं अपनी उसी बॉस को बना रहा है जिस लड़की ने हमारे एमसी को स्टार्टिंग में फंसाया था। और बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो इस घर को छोड़कर यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है उनको। और तभी हमारा एमसी अपनी मेड से कह रहा होता है कि ठीक है हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है, अब तुम अपने काम पर जल्दी से जाओ और हमारे सभी के सभी रूम को साफ कर दो। और तभी वो कहने लगते हैं कि यस मास्टर जुनबो, मैं आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर रहने का एक मौका दिया है तो मैं आपको सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी जुनबो काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाता है और उसकी नजर कहीं और पर नहीं बल्कि गुब्बारों पर जारी होती है, और वो लड़की उससे कह रही होती है कि आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं आपकी सभी की सभी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने मास्टर की सभी की सभी आज्ञा का पालन भी करूंगी। और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि सारी की सारी घटना कुछ और नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी का सपना होता है जो कि हंसने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। और पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके मुंह पर एक डॉगी बैठा हुआ है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं टॉमी होता है। तभी हमारा एमसी उस टॉमी को उठाकर देखने लगता है तो पता चलता है कि टॉमी ने इसके मुंह पर मूंद दिया है और टॉमी उसको घूर घूर कर देखने में लगा हुआ है। और हमें पता चलता है कि इसके टॉमी को घुमाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं उन्हीं में से एक किराएदार होती जो कि देखने में कहीं बवाल है, और वो अपने टॉमी को इस तरीके से पकड़ती हुई देखती है हमारे एमसी को तो उसे शांत कराने के लिए कहने लगती है और उससे कहने लगती है कि इस लिटिल टॉमी को मैं आज के लिए तुम पर छोड़ देती हूँ, तुम इसका ख्याल रखोगे क्योंकि अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे अपने मेकअप का पूरी तरीके से ख्याल भी रखना है और स्कूल भी जाना है। लेकिन हमारे एमसी को अभी की सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर वो अंदर जाने लगता है वो लड़की कह रही होती है कि हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तभी एमसी उस डॉगी को कहने लगता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ यार, और अंदर का माहौल देखकर वो काफी शॉक हो जाता है जहाँ पर सभी की सभी लड़कियां एंजॉय करने में लगी होती है और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि जहाँ तक मुझे कल के बारे में याद है तो मैंने मेरे को अभी तक याद है कि उस एग्रीमेंट पर साइन हो चुका था, तो आखिरकार ये इस तरीके से मेरे घर में वापस से रहकर इस तरीके से कैसे खा सकते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि प्रिटेंड करने में लगी हुई है। और वो गुस्से में अंदर आने लगता है। तभी वो लड़की बाहर निकलती है उबासे लेते हुए सुबह सुबह, और वो हमारे एमसी को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से जाओ और मेरे रूम को साफ कर दो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को सटक जाती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस तरीके से लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हो, लेडीज मेरी बात ध्यान से समझे कि नहीं समझे, आखिरकार मैं तुम्हारे डॉग को घुमाने का काम कैसे कर सकता और तुम्हारे इस कमरों को भी साफ कैसे कर सकता और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की हिम्मत कैसे दिखा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ऑलरेडी इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, आखिरकार तुम मुझे समझ के क्या रखे हो, मैं तुम्हारा कोई नैनी वगैरह हूँ क्या। दूसरी तरफ हमें रीतियान को दिखाया जाता है जो कि सूट वूट पहनकर बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि लेडीज हम तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं और मैं तुम्हारा कार में इंतजार करूंगा। और जब हमारा एमसी रीतियान को पूरी तरीके से बदला हुआ देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। तभी रीतियान एमसी से बताता है, उससे कहने लगता है कि नैनी जुन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस घर का ख्याल अच्छे तरीके से रखना और मैं सभी के सभी सिस्टर्स को और लेडीज को डेफिनेटली उनकी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दूंगा। जैसे ही हमारा एमसी ये सुनता है कि ये बंदा उसे नैनी जुन कहकर बुलाने में लगा हुआ था, कभी भड़क जाता है और सभी के सभी लोग हमारे एमसी को इग्नोर मार देते हैं और वो वहां से जाते हैं और रीतियान से कह रहे होते कि तुम मुझे सबसे पहले मेरी स्कूल पर छोड़ देना, उसके बाद तुम इन्हें जहाँ चाहे वहाँ छोड़ सकते हो क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा पास में है जगह। और हमारा एमसी उसमें जाते हुए देखता है लेकिन उसे अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जो डॉग होता है वो एंजॉय करने में लगा होता है अपने फूड को और वो डॉग टेबल पर बैठकर खाना खाने में लगा हुआ है, वो भी इन तीनों के साथ मिलकर। और तभी पता चलता है कि वो एग्रीमेंट रीड कर रहा होता है तो उसको पढ़ने के बाद शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगे हुए हो और तुम कह रही हो कि मैंने कल इसको साइन किया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो पार्टी भी है जो कि जुनबो है वो यहाँ पर इस विला में नैनी के तौर पर रहने वाली है और यहाँ के जितने भी काम है हमसे सिस्टर्स के लिए वो सारा का सारा काम करेगा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना वगैरह वगैरह, और पूरे के पूरे घर की भी सफाई करनी होगी हर एक दिन और हमारे कुत्ते को भी बाहर घुमाने के लिए ले जाना होगा। और वो धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पेजेस को पढ़ना चालू करता है और उसमें लिखा हुआ था लास्ट पेज में कि अगर किसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को जुन वो तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे पेनल्टी के तौर पर
200,000 यानी कि 2,00,000 RMB देने पड़ेंगे, वो भी हम सभी के सभी सिक्स सिस्टर्स को। और ना ही उसके पास इनहेरिटेंस का राइट्स रहेंगे, वो भी चले जाएंगे उसके। और अगर जी अच्छे तरीके से सारा का सारा काम करता है तो जी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड हो जाएगा। इसको सुनने के बाद देखने के बाद हमारा एमसी उस लड़की पे चिल्लाता है, उससे कह लगता है कि इसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे कह लगती कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, जब तुम लास्ट नाइट में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में लगे हुए थे तुम तो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। तभी हमें लास्ट नाइट के सीन के बारे में दिखाया जाता है जो यहाँ पर याद करने में लगा हुआ था, वो जबरदस्ती उनको वह वाइन पिलाने में लगा हुआ था ताकि उन्हें नशे की हालत में उनसे साइन करवा सके। जहाँ पर वो लड़की उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम इतना बुरे भी नहीं हो, तुम मेरे साथ इतने लंबे समय तक पी सकते हो। तभी एमसी अपने रीतियान से कहने में लगा हुआ होता है कि चलो हम लोग सेकंड सिस्टर को भी डाउन कर देते हैं, और वो रीतियान तुरंत मान जाता है। और वो किस तरीके से जबरदस्ती उसे ड्रिंक कराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यहाँ पर वो उसे ड्रिंक कराने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग खुद नशे में आ गए। तभी वो लड़की उन्हें बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें सच सच बताऊं, जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे शंघाई में काफी हार्ड वर्क करने में लगी हुई हूँ, और हर दिन कई सारे लोगों से मुझे निपटना पड़ता है इस ड्रिंक के दौरान, और कई सारे लोग मेरे साथ ड्रिंक करते हैं, और मुझे इस तरीके की फीलिंग्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब मैं ड्रिंक हो जाती हूं। तुमने आज मुझे वाकई में एनलाइटन कर दिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि सेकंड सेस आपको और ज्यादा पीना होगा। तभी वही लड़की जिस लड़की ने हमारे एमसी को पहले फंसाया था वो वापस से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे एमसी की तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि जुनबो क्या तुम यहाँ पर हमारे साइन नहीं करवाना चाहते थे। तभी हमारा इन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है लेकिन वो नशे की हालत में देख नहीं पाता कि क्या लिखा है, और कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए कह लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इसी कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारा साइन करवाना चाहते थे, अब तुम जल्दी से यहाँ पर साइन कर दो अपने नाम को। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, पता चलता है कि इसकी तो लग गई, उसके नशे की हालत में इसने गलत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, और कहने लगता है कि इन डेविल सिस्टर्स ने इन स्लीप फॉक्सेस ने मेरे सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया है और मेरी तो ऐश तैसी मार ली इन लोगों ने। तभी वो लड़की हमारे एमसी को बेवकूफ बनाते हैं, उससे कहने लगते कि तुम हमारी जो टेबल उसे साफ कर देना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद, और वो अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो डॉगी भी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वहां से जाने लगते, और वो डॉगी तो चालाक होता है कि वो हमारे एमसी का भी ब्रेकफास्ट उड़ा लेता है। तभी हमारे एमसी के दिमाग में अचानक से कुछ आने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, और हंसने के बाद तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर फाड़ देता है और खुशी मनाने लगता है, और खुशी की मारे चिल्लाते उससे कह लगता है कि मेरे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, यहाँ पर तो कुछ भी हुआ नहीं था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अब जा चुका है अब मुझे यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तभी अचानक से वो लड़कियां और कई सारे पेपर्स लेकर आती है और दिखाते उससे कह लगती है क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि तुमने कल रात को टोटल मिलाकर 6 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, और जो मैंने अभी भी तुम्हें दिया था वो बस एक कॉपी थी और कुछ भी नहीं। ये देखकर हमारे एमसी के सारे ख्याली प्लाव धरे के धरे रह जाते हैं, और लड़की कहने लगती है अगर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे उसी समय पर, और तुम्हें इस घर से लात मारकर बाहर निकाल देंगे वो भी हमेशा के लिए, और हाँ ये बात जरूर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है जो तो तुमने पढ़ी लिया होगा, लेकिन अब अगर तुम नैनी की जॉब अच्छी तरीके से करते हो और 2 सालों तक इस जॉब को अच्छी तरीके से झेल पाते तो हम लोग बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली इस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके बाद ये घर तुम्हारा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आती है और वो गुस्से में खड़ा होते हुए अपना हाथ जमीन पर पटकता है, उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मेरे को चाहते हो कि मैं तुम्हारी नैनी बनना हूं तो तुम इस तरीके के सपने देखना बंद कर दो, और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की पीछे से उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में इस तरीके से यहां पर गिवअप करना चाहते हो, लगता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर जो ओल्ड मैन थे वो तुम्हारे बारे में गलत थे और मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं और पूरी की पूरी जिंदगी भर एक कुत्ते की जिंदगी जीते हैं। और तभी वो लड़की अपने सर का सारा सामान उठाकर ले जाने लगती है वहां से और खुद टेबल को साफ करने लगती है, और कहते ही होती है ठाप करते करते तुम बस एक उनमें से ऐसे लोग हो जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचने में लगे हुए कि आसमान से कुछ गिर जाए और तुम उस पर अपना हक बना लो और कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते अपने उस चीज को हासिल करने के लिए। आखिरकार ये जो विला है उसकी कीमत कम से कम बिलियंस में, और जैसे ये बात सुनता है हमारा एमसी पैसे की बात आती है तो वो तुरंत उस प्लेट को लेकर उससे वापस से छीन लेता है उस लड़की से, और उससे कहने लगता है कि तुमने अभी भी कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 सालों तक तो काम करना होगा वो भी एक नैनी के तौर पर, और तुम बिना किसी परेशानी के और बिना किसी कंडीशन के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगी। तभी ये लड़की इतना ज्यादा सीरियस देखती है हमारे एमसी को तो वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि हमारा एमसी उसकी नैनी बनने के लिए तैयार हो जाता है, और वो तुरंत सारे के सारे सामान को उठाकर वहां से जाने लगता है और सभी के सभी बर्तन को धोना चालू कर देता है और सारा का सारा बिना किसी परेशानी के करना चालू कर देता है। जहां पर दूसरी लड़की सभी के सभी इसके बिहेवियर को नोटिस करने में लगी हुई होती है और लिखने में लगी होती है, और इसको जानकर काफी ज्यादा खुश भी होती है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है। और तभी हमारा एमसी एक बॉक्स लाता है और कहने लगता है कि एक बेवकूफी होगा जो कि 2 सालों तक इनका नैनी बनकर रहेगा और यहाँ पर मैं कोई बेवकूफ नहीं। और तभी वो एक बॉक्स को देखकर उससे कहने लगता है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जो ग्रैंडपा थे उन्होंने मुझ पर दया दिखा और मेरे लिए यहाँ पर एक हेवनली गिफ्ट छोड़कर गए हुए हैं, ये एक एक्स्ट्रा सीक्रेट वेपन है उनके रूम में जिनका इस्तेमाल कर मैं उनसे अपना साइन करवा सकता हूँ, तुम बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं इस टेक्निक का मास्टर नहीं कर लेता। और इस टेक्निक का नाम होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसे मैं कॉन्कर नहीं कर सकता, पर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो नाम है अब वो डेथ नोट पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर वो उस गेम को खेलना चालू करता है और जो गेम की कैरेक्टर होती है वो उससे कह रही होती है कि मुझे डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई,
तभी हमारे एमसी को तीन ऑप्शंस मिलते हैं और ऑप्शंस में लिखा होता है कि जब तक तुम्हें ये चीज खुश करती है तब तक मेरे लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं और मैंने इसे ऑलरेडी खरीद लिया है। दूसरा ऑप्शन होता है तो और उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद, अगर ऐसी बात है तो हमें ट्रांसफार्मर ऑफिसर बाय करने के लिए जाना चाहिए। और वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया कि किस ऑप्शन को चुनना चाहिए मुझे, और वो कहने लगता है कि चलो जाकर हमें ट्रांसफार्मर्स खरीदने चाहिए। ये सुनने के बाद उस कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर तुरंत उस कैरेक्टर के साथ छीती सीने में घुसेड़ देती है और वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि इसके प्लान के तरीके रह जाता है और कह रहा होता है कि मैं एक बार फिर से हार चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये गेम इतना ज्यादा हार्ड क्यों, मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर कुछ ट्रिक्स सीख सकता हूँ उस गेम से और उसके बाद उन डेविल लड़कियों को मैं हरा सकता हूँ। और तभी उस गेम की सीडी को वो बाहर निकालने लगता है, तभी उसकी नजर एक लेटर पर जाती है जो कि उस बॉक्स के सबसे ज्यादा नीचे रखा है और उस नोट में लिखा होता है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि किस तरीके से इस गेम को कंप्लीट किया जाए, और उस नोट को निकालकर वो पढ़ना चालू कर देता है। और जैसे वो उसे पढ़ता है तो वो देखकर उसे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ग्रैंडपा अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार ये कैसे करना है, ग्रैंडपा आप तो वाकई में किसी गॉड की तरह है मेरे लिए। और तभी वो एक व्हाइट पेपर लेता है और जो सलाह उस ग्रैंडफादर ने उसे दी थी कि किस तरीके से सबसे पहले तो अपने अपोनेंट के बारे में पता लगाओ कि आखिरकार उसकी कमजोरियां क्या है, वो क्या चीज पसंद करती है, किस चीज से डरती है, ये फालतू की चीज है, और अपनी सारी की सारी डिटेल्स लिस्ट में लिख लेता है और कहने लगता है कि किस तरीके जो थर्ड और फोर्थ और जो फिफ्थ सिस्टर है वो स्कूल जा चुकी है तो शायद वो स्टूडेंट्स होंगे। और बात करें सिक्स सिस्टर के बारे में तो वो तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है, जिसने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारी थी। और जो सिक्स सिस्टर है वो एक सीसी वूमन है, वो सिर्फ दूसरों से लड़ाई करना जानती है और ये जानती है किस तरीके से प्रॉब्लम को सिर्फ वॉयलेंस से सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक बिग सिस है, ओल्ड बिग सिस है, जिसके पास इस घर में कुछ भी काम करने के लिए नहीं बचा हुआ है। तभी बाहर से कोई नैनी कर उसे बुलाने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसकी बात को सुन नहीं पाता और अपने ही दुनिया में खोया रहता है और कह रहा होता है कि सबसे पहले मुझे इसी लड़की के साइन का जुगाड़ करना होगा, किस तरीके से सिग्नेचर लिया जाए इसके। जहां पर वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है कि नैनी जून जल्दी से बाहर आ, वह भी अभी के अभी। जब हमारा एमसी उसकी आवाज सुनता है तो वो काफी पसीना पसीना हो जाता है और इसे इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ इतना ज्यादा, और वो भागते उसकी तरफ भागने लगता है और जाकर पूछने लगता है कि क्या हुआ बिक्सेस। तभी उसकी बिक्सेस अंदर बुलाती है उसे और वो अंदर जाने लगता है धीरे धीरे, और अंदर जाकर देखता है तो पूरे के पूरे कमरे की बैंड बजी पड़ी होती है। तो कहने लगता है कि आखिरकार ये औरत अब क्या करना चाहती है, और तभी वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि मैं अपनी बाथिंग टॉवल को यहाँ पर मेरे साथ लाना भूल गई थी, तो तुम मुझे लाकर वो दे सकते हो और मेरी मदद करो एक नई टॉवल मुझे देने के लिए जो कि यहाँ पर नेक्स्ट डोर पर ड्रेसर पर पड़ी हुई है। और इस तरीके की चीज कर देखकर हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा सुबह सुबह नहाने की क्या जरूरत है। तभी वो लड़की बाहर निकलती है उससे कहने लगती है क्योंकि इस पूरे के पूरे दिन भर हम दोनों ही अकेले रहने वाले, और जिस तरीके से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकलती है जिसको देखकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है और सबसे पहले तो वो तुरंत उस दरवाजे को बंद करते उससे कह लगता है कि तुम फटाफट से अंदर जाओ, अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए बाथिंग टॉवल लेकर आता हूँ फटाफट से। तभी हमारा एमसी उसके लिए कपड़े देखने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस क्रीपी वूमन की परेशानी क्या है, ये मेरे साथ करना क्या चाहती है, यहाँ पर कोई भी बाथिंग टॉवल मौजूद नहीं है। वो उसके सारे के सारे कपड़े के बारे में देखने लगता है कि आखिरकार कहाँ मिलेगी बाथिंग टॉवल। तभी हमारी एमसी की नजर किसी अजीब सी चीज पर जाती है और उसे देखकर पता चलता है कि ये एक डायरी है और उस डायरी का नाम होता है ब्लड फोबिया ट्रीटमेंट, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ब्लड फोबिया मेंटल डिसऑर्डर, और मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी बिक्सेस है उन्हें इन सभी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तभी पीछे से वो उसकी बिक्सेस आती है और चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है उस बाथिंग टॉवल को लाने में। और हमारा एमसी आवाज सुनकर काफी डर जाता है और शौक के मारे जमीन पर गिर जाता है और शर्म के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से बाहर क्यों आ गई हो। तभी उसकी बिक्सेस उससे कहने लगती है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर गए हुए काफी समय निकल चुका था और तुम वापस नहीं आए थे बाथिंग टॉवल को लेकर वापस, तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था और इसलिए मैंने वही टॉवल को यूज कर लिया जो कि मैंने कल की थी। और तो और इस पूरे के पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ हम ही दोनों मौजूद है और तुम पूरे के पूरे दिन भर सिर्फ और सिर्फ मेरे अंडर कंट्रोल में रहोगे, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। और वो अपने हाथ को हमारे एमसी के सामने रख देती, भाई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छेड़ रही हो। और हमारा एमसी इसको देखकर काफी घबरा जाता और कह लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने के बारे में सोचने में लगी हुई हो। तभी पता नहीं क्यों आखिरकार जो बिक्सेस होती है वो इस तरीके से एक्टिंग करने में लगी हुई है, उसके काफी नजदीक आते हुए बाथिंग टॉवल को उतारते उससे कहने लगती है मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बाथिंग टॉवल को अपनी बॉडी से हटा दिया, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जो बिक्सेस है उसने उसका हमारे एमसी का यहाँ पर मोए मोए कर दिया और कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारी बिग सिस्टर होती है वो उससे और कुछ नहीं बल्कि मैं उसके साथ एरोबिक्स प्रैक्टिस करने के लिए कह रही होती है, वो भी साथ में। ये देखकर एमसी शॉक होता है और कहने लगता है कि एरोबिक्स ये क्या है। तभी बिग सिस्टर उसे समझाती है और उससे कहने लगता है कि लास्ट टाइम पर जब मैं वर्क करने के लिए गई थी तब मुझे थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैंने कुछ महीने उसे आराम करने में लगी हुई हूँ और अब मैं एक और अनदर जिम में इंटरव्यू देने के लिए जाना और इसलिए मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ ताकि मैं एरोबिक्स ट्रेनर बन सकूँ जिम में। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कह लगता है क्या मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और बिक्सेस उससे कह लगते हैं कि आखिरकार तुम मुझे आंसर क्यों नहीं बताते।
और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस बिक्सिस ने हमारे एमसी को पकड़ लिया होता है और यहाँ पर उसकी एरोबिक्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, उसका डॉगी भी उसकी मदद करने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए दर्द में कह रहा होता है कि अगर तुम सबसे पहले जाकर उधर अप्लाई को नहीं करती हो तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर। तभी वो बिक्सिस उससे कहने लगती है कि जो मेरी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसको तुम करते हो तो मुझे वहाँ पर जितनी भी गलतियां होंगी उस सीजन के बारे में मुझे पता चल जाएंगी। ये देखकर हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा विक्सीज वुमन हो। तभी उसके बिक्सिस उससे कहने लगते हैं कि तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओ। मास्टर के मारे मास्टर चिल्लाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और यहाँ पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती। यहाँ पर वो रोने में लगा होता और जो कि किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर बिक्सिस उससे कहने में लगी थी कि चार अंडे मेरे लिए काफी होंगे, तुम तैयार कर दो, और हमारा एमसी उसके लिए नाश्ता बनाने लगता है। जहाँ पर इसकी बिक्सिस योगा करते हुए कह रही होती है उससे कि आज से और अभी से तुम मेरी फिटनेस मील के बारे में ख्याल रखोगे। तभी हमारे एमसी की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि बस मुझे इस बिच को सबसे पहले तो इस औरत को टेक डाउन करना है और उसका सिग्नेचर ले लेना है किसी भी तरीके से, उसके बाद मुझे उसका टॉर्चर झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक से उसको ख्याल आता है और उसे याद आने लगता है कि किस तरीके से इसके जो इसने प्लान बनाया था उस प्लान को किस तरीके से कामयाब किया जाए और इसकी कमजोरियों के बारे में पता लगाया जाए। इसके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना चाहती है। वीकनेस की बात करें तो इसको ब्लड फोबिया है। और अचानक से हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो भी बिना कुछ खाए। अच्छा हाँ, बेबी इसने अंडा खाया था ना। और कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे बिक्सिस की कमजोरी वाकई में वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तभी कहानी की टाइमलाइन चेंज होती है जहाँ पर एक बंदा किसी लड़की को प्रपोज करते हुए उससे कहने में लगा हुआ होता है और उस लड़की का नाम मैंगलियान होता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं यही बिक्सिस होती है जो कि हमारे एमसी को परेशान कर रही है। जहाँ पर मैंगलियान उस फ्लावर्स के गुलदस्ते को पाने के बाद काफी खुश होती है और वो लड़का उससे कहने में लगा हुआ होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा इस तरीके से केयरफुली यहाँ पर ब्लूम करोगी इन फ्लावर्स की तरह। और बंदा उससे कहने में लगा होता है कि अब हमें आज चलना चाहिए, वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है, हम पूरे के पूरे वैलेंटाइन डे को एक साथ गुजारेंगे। और टाइमलाइन को जो अभी मैंने बताया है ना इतनी सी चीज वो याद रखिएगा आप लोग गाइस, आगे चलकर आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आखिरकार ये ऐसा सीन क्यों दिखाया गया। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, यहाँ पर हमारा एमसी को सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए जाता है और सारा का सारा घर का सामान खरीद कर लौट कर आता है और सारा खाना बनाने के बाद उससे कहने में लगा हुआ था कि मुझे माफ कर देना कि मुझे खाना बनाने में काफी देर लेट हो चुका, क्योंकि जो फाइनल ड्रेस है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर पता चलता है कि हमारे एमसी ने यहाँ पर डक ब्लड, वर्मिलिन सूप, चिकन ब्लड, हॉट एंड सोर पिक ब्लड ऐसी ऐसी चीजें बताई होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड से रिलेटेड हो और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश भी होने में लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी उसे खुद अपने हाथों से खिलाते उससे कह लगता है कि तुम मेरे द्वारा कर बनाए और खाने को खाकर देखो बिग सिस्टर, ये मेरा ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैंने अडल्ट बनने के बाद इसको बनाया है। दूसरी तरफ इसका जो खुफिया प्लान है वो बनने में लगा हुआ था भाई कुछ तो, और वो बिक्सिस को डराने की कोशिश करता और कह रहा होता है मन में सोचती हो कि अगर तुम्हें वाकई में ब्लड से डर लगता है या नहीं लगता वो तो अब पता चली जाएगा। तभी वो लड़की अपने खाने को वहीं पर रखती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि ये डक ब्लड है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रोटीन को कंटेन करता है और इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तो वो एक अंडा उठाती और उस बॉइल्ड एग को खाना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि जो हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन वह हमें चूज करना चाहिए था। और इस तरीके का बिहेवियर देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है हमसे और अपने बॉइल्ड एग को खाने के बाद वो लड़की वहां से उठती है और उठते उठते कह रही होती है अगर हम वाकई में इस तरीके से इस चिकन ब्लड और डक ब्लड को खाएंगे तो इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेवल बढ़ जाएगा उसका, जिस जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, उससे कहने में लगा था कि आखिरकार ये किस चारे में बात करने में लगी हुई है। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना मेरे लंच के लिए, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एग वाइट्स को तैयार करना है और अब मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। और जो रिएक्शन हमारे एमसी ने सोचकर रखा हुआ था ऐसा रिएक्शन बिक्सिस ने बिल्कुल भी नहीं दिया है, जिसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसने तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है, मैंने इतनी तैयारियां की थी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मैं सोच रहा था वो सब गलत था और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बिक्सिस वापस से अपने रूम में चली जाती है और अपने दरवाजे को बंद कर हमें उसे दिखाया जाता है कि वह बिक्सिस वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। इससे पता चलता है कि उसका प्लान काम तो करता है लेकिन वो प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि उसने काम नहीं किया और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी एक ब्लड पाउच को पकड़ कर देखने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि मेरी जो बिक्सिस है उसके पास वाकई में ब्लड फोबिया है भी या नहीं है, मुझे ये बात की बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। और जब इतना चल ही रहा होता है तभी वो लड़की बाहर निकलती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उस ब्लड पाउच को छुपाने की कोशिश करने लगता है और वो लड़की उससे कहने लगती है कि आखिरकार अपने जो जिम क्लॉथ है तुमने अभी तक बदला क्यों नहीं उन्हें। और हमारा एमसी उस ब्लड पाउच को अपने पीछे की जेब में छुपा कर रख लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना मैं अभी बदल लूंगा। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे कहा नहीं था कि जैसे ही दो बज जाएंगे उसके बाद हम लोग अपनी इस वर्किंग को स्टार्ट कर देंगे। हमारा एमसी इस ब्लड पाउच को उसे नहीं दिखाना चाहता लेकिन किसी तरीके से वो छुपा लेता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मुझे जिम क्लॉथ मेरे कहाँ पर मिलेंगे। और अगले ही पल दिखाया जाता है जहाँ पर उसने जो जिम क्लॉथ पहने होते हैं वो किसी और के नहीं बल्कि मैं वो मिंगलियान के होते हैं यानी कि इसी बिक्सिस के, और जिस तरीके से वो पहने हुआ होता है वो कुछ अजीब लग रहे होते हैं और उसकी बिक्सिस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने हाथ से उस पाउच को कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगा हुआ होता है
है, क्योंकि जो पाउच है वो अभी भी उसके पिछवाड़े में लगा हुआ है और उसकी बिक्सिस उससे कह रही होती है, उसे पता नहीं इसके बारे में, और कह रही होती है कि तुम सबसे पहले तैयार हो जाओ और स्ट्रेच करना चालू कर दो क्योंकि हम लोग यहाँ पर योगा चालू करने वाले हैं। और हमारा एमसी किसी तरीके से उस पाउच को गिरने से कंट्रोल करने में लगा हुआ होता है। तभी बिक्सिस अपने पैरों को स्ट्रेच करती है और उससे कह लगती है कि सबसे पहले तो तुम अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच करो जैसे मैं बता रही हूँ। तभी हमारा एमसी उसके तरीके से करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ नोटिस करता और उसे पता चलता है कि जो पाउच उसने अपने रखा हुआ पांच में वो गिरने में लगा हुआ, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता और अपने इस पाउच को छुपाने के लिए वो उसे वापस से अंदर कर देता है और वो काफी खुश होता है इसको जान। लेकिन इसी तरीके जब ऐसा कर रहा होता तभी वहां पर वो लड़की, एक और लड़की आ जाती है पिंक हेड वाली, और आकर कहने लगती है कि आज के जो कंपनी का जो चीज थी वो वाकई में बहुत ज्यादा थकान वाली थी और मेरा काम कैसे पहले वैसे तो जल्दी खत्म हो चुका है इसलिए मैं घर पर जल्दी आ चुकी हूँ, और वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी अचानक उस लड़की को अजीब तरीके की आवाज आने लगती है जहाँ पर वो हमारे एमसी को योगा करती है वो देखती है। तभी हमारा एमसी वहाँ पर खड़ा होता है, उसको खड़ा देखते होते हुए देखती है वो मेंगलियान, तो उससे कहने लगती है कि हमने जो कल मूव ट्राई किया था हम उस मूव को आज भी ट्राई करेंगे। तभी यह वाला पोजीशन वो उसको बताने लगती है कि योगा में ऐसा करके दिखाओ। तभी हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस मूव को वापस से क्यों करना पड़ रहा है मुझे, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसका जो ब्लड पाउच है वो भी धीरे धीरे करके गिरने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है वापस से। और इसको इस तरीके से बिहेवियर देखती है वो मेंगलियान, तो उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें कल सिखाया था किस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है, क्या तुम ये बात भूल चुके हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखाऊं कि किस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है। तभी वो मेंगलियान उसके कंधों पर हाथ रख के उसकी मदद करने लगती है स्ट्रेच करने में, लेकिन हमारा एमसी उसे मना करने लगता है और उसके पैरों को जबरदस्ती फाड़ दिया जाता है और हमारा एमसी जोर से चिल्लाता है और अचानक से खेल खत्म। और वहां पर जो ब्लड पाउच का रखा होता है वो ब्लड पाउच ही वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो नोटिस कर लेते हैं वो मेंगलियान उस ब्लड पाउच को और उसको देखकर कहने लगती है कि तुम्हारे पांच में ये सब क्या हो रखा। और दिखाया जाता है कि वहां पर किस तरीके से उसका ब्लड पाउच फटने के कारण वहां पर ब्लडी ब्लड हो जाता है, और भाई साहब कोई अगर नॉर्मल बंदा इसे देखता तो क्या सोचता कि क्या फटा है। और इतना ज्यादा ब्लड देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है और अचानक से उसका जो फोबिया होता है ब्लड फोबिया वो बाहर आ जाता है और वो वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और कहानी उस मूवमेंट पर जाती है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उस मूवमेंट को याद रखना, उस पार्क में जिस जगह उसके बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो उस पार्क में घूमने के लिए गई उसने इसके साथ क्या क्या किया, अपने चाकू से उसके पैरों को चोट पहुंचाई थी। और तभी वहां पर चिल्लाते हुए वो मेंगलियान वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी पिंक हार्ड गर्ल वहां पर पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि बिक्सिस क्या हुआ, और वो आकर देखती है कि यहां पर उसकी बिक्सिस बेहोश होकर गिर चुकी है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ। और वो अपनी बिक्सिस को संभालती है और कहने लगती है कि तुम ठीक, और वो हमारे एमसी की तरफ देखती है तो एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखा होता। और नेक्स्ट सीन में हमें वो मेंगलियान के रूम में दिखाया जाता है जहां पर हमारे एमसी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर ही रहा होता है। तभी वो दरवाजा खोलता है और पिंक हेड गर्ल बाहर निकलती है। तभी वो घबराते हुए उससे कहने लगता है कि इसका जो ब्लड फोबिया है वो वाकई में इतना सीरियस था। तभी पिंक हेड गर्ल उससे कहने लगती है कि फ्यूचर में इस तरीके की सिली चीज बिल्कुल भी मत करना, खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरे से क्या लेना देना इसका। और तभी वो बताने लगती है कि आखिरकार क्यों बिग सिस्टर को इस तरीके से ब्लड फोबिया हो रखा था, क्योंकि इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मेमोरी है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि बहुत ज्यादा डरावना था, और जिस बंदे ने इसको इस तरीके की मेमोरी दी उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो बिल्कुल बंदा तुम्हारी तरह दिखा करता था। और ये बात जानकर हम और हमारे व्यूअर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग वाली न्यूज होती है। ये बंदा जो कि बिल्कुल हमारे एमसी की तरह दिखता है, ये कुछ सरप्राइजिंग था बड़ी। तो गाइस इसी के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, आखिरकार इसके जैसा सेम साम दिखने वाला बंदा कैसे आ सकता है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या आखिरकार ये इसका जुड़वा बंदा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने वाला बंदा कोई और नहीं, या फिर कौन आखिरकार ये बंदा है, कौन इसका क्या रिलेशनशिप है हमारे एमसी के साथ, ये बात तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। अगर ऐसा देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ कि आखिरकार इस सीरीज को किसी ने एक्सप्लेन किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो हम इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग नई सीरीज को चालू कर लेंगे। और अगर आप लोग देखना चाहते हो सीरीज को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, मैं जरूर करूंगा। तो गाइस जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज यार इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर दो, आपका कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा, आप बस सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग आगे के चैप्टर्स को देखना चाहते हैं, पार्ट देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, वो लोग बेल आइकन को सेट कर दीजिए ऑल पर, तो उन लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा जो उसको देखना चाहता है। लेकिन गाइस हमारा जो टारगेट है 100K का, आप उसे करवाने में मदद कर दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे और हमारा टारगेट जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। कमेंट करके जरूर बताना, बिल्कुल मत भूलना इस बारे में। तो